Hello, my dear children. How are you all? Today we are going to do lesson number 6. We need food in our science subject. Today we are going to do a new lesson in our startup science book. We are going to start lesson number 6. We need food. इस लेसन का नाम है we need food, यानी हमको खाना चाहिए. Okay? So we start. We all need food. यानी हम सबको खाना चाहिए. Food gives us energy. That is strength to work and play. It helps us to grow healthy and strong. यानी जो food होता है वो हमको energy यानी ताकत देता है ताकि हम काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं. इसके अलावा food खाने की वजह से हम grow कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, healthy रह सकते हैं और strong भी रह सकते हैं. But eating this kind of food, पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविच रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए. नाउ हियर यू कैन सी डेबीज टाइम. सर्कल द थिंग्स यू फील आर टेस्टी बट नॉट गुड फॉर हेल्थ. टेक द वंस दैट आर गुड फॉर हेल्थ बट यू डू नॉट लाइक. यानी इनको हम ये इनमें यहाँ पर जो फूड आइटम्स दी है उनको आपको सर्कल करना है जो आपको टेस्टी लगते हैं लेकिन खाने के लिए अच्छे नहीं है, और उन फूड आइटम्स को आपको टिक करना है जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है. सो वी स्टार्ट. दिस इज मिल्क. तो मिल्क सबको अच्छा मीन्स बॉडी के लिए अच्छा होता है लेकिन नॉर्मली कोई कोई बच्चों को मिल्क पसंद नहीं होता, बट वी विल टिक दैट. एग्ज़ आर गुड फॉर हेल्थ पर किसी किसी को पसंद नहीं और कोई कोई खाते नहीं, सो दैट इज़ ऑल्सो राइट. ब्रेड सबको पसंद है बट इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो वी विल सर्कल दैट. बटर अच्छा लगता है बट ज़्यादा खाना भी अच्छी बात नहीं है, बट टिक दैट. फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ लेकिन बच्चे ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता खाएंगे लेकिन फ्रूट्स नहीं खाएंगे, सो दैट वी विल टिक. दिस इज़ जूस जो बॉडी के लिए रेगुलर, अगर लेमन जूस वगैरह है तो ठीक है लेकिन दूसरे जूसेस जो होते हैं केन जूस वगैरह वो अच्छे नहीं है, बट वी लाइक इट, सो टिक दैट. बनानाज आर गुड फॉर हेल्थ, दैट यू विल टिक. एग दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ. ओके, लेकिन किसी किसी को पसंद एग नहीं होते या कोई कोई खाता नहीं. देन दिस इज़ अ बाउल ऑफ पॉरेज, वो भी कोई कोई खाते हैं उनको कुछ को पसंद नहीं है. देन दिस इज़ फ्रेंच फ्राइज या चिप्स, तो ये सबको बहुत पसंद है लेकिन ये गुड नहीं है हेल्थ के लिए, बट इसको हम सर्कल करेंगे. पसंद बहुत है लेकिन नॉट गुड फॉर हेल्थ. दिस इज़ अ जूस जैसे फ्रूटी वगैरह होता है, तो सो ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, मीन्स सबको पसंद है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं. दिस इज कॉब, ये यानी भुट्टा जिसको बोलते हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छा है पर सबको पसंद नहीं है. चीज़ दैट इज़ ऑल्सो, ये सबको ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं लेकिन पसंद सबको होता है. देन आइसक्रीम दैट ऑल्सो विल सर्कल, अच्छा लगता है लेकिन नॉट गुड फॉर हेल्थ, बहुत ज़्यादा नहीं. वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ बट चिल्ड्रन डोंट लाइक दैट, और कोई कोई बड़ों को भी पसंद नहीं है. दिस इज़ नॉन वेजिटेरियन फूड मीट, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है लेकिन लोगों को पसंद नहीं है. दिस इज़ पिज़्ज़ा विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ पर लोगों को बहुत पसंद है, सो वी विल सर्कल दैट. एंड दिस इज़ सूप जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है या बड़ों को भी नहीं होता, सो दैट इज़ राइट. सो दिस इज़ पेज 41. नाउ हियर यू कैन सी दैट फूड ग्रुप्स, फूड जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होता है, बराबर. सी फूड कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स. फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड यानी जिसको खाने से आपको ताकत मिलती है. देन बॉडी बिल्डिंग फूड यानी जिससे आपकी बॉडी अच्छी रहती है, डेवलप होती है. एंड प्रोटेक्टिव फूड यानी जो आपको बीमारियों से बचाता है और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है. ओके, फर्स्ट डैबी वॉन्ट्स टू नो वाई शुड वी ईट फूड फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स. हमको सभी फूड ग्रुप में से एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड सब में से क्यों खाना चाहिए? टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए हमको तीनों में से खाना चाहिए, एक ही में से बार बार नहीं खाते रहना चाहिए. नाउ वी विल सी व्हाट आर ऑल दीज.
वी शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट टू स्टे हेल्दी. ईटिंग टू मच कैन मेक अस फैट एंड ईटिंग टू लिटिल कैन मेक अस वीक. यानी हमको हर एक टाइप का फूड खाना चाहिए और प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही खाते जाओ और दूसरी चीज़ कम खाओ, ऐसे नहीं. अगर हम ऐसा करेंगे, बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे कोई एक चीज़ तो हम मोटे हो जाएंगे, और बहुत कम खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे. नाउ वी विल सी अबाउट ईच ग्रुप. ओके, फर्स्ट वी विल सी एनर्जी गिविंग फूड, यानी जिससे हमें एनर्जी मिलती है. फूड लाइक पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड शुगर गिव अस एनर्जी. दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. दे ऑल्सो हेल्प अवर बॉडी टू स्टे वॉर्म. यानी एनर्जी गिविंग फूड जैसे आलू है, चावल है, ब्रेड है, चीनी है, ये हमको एनर्जी देते हैं और इसीलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड बोला गया है. और इससे हमारे ये क्या करता है, हमारे बॉडी को गर्म भी रखता है, क्योंकि ठंडा बॉडी हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है. तो बॉडी को वार्म रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा वार्म भी नहीं रहना चाहिए. सो सी पोटैटो, राइस, शुगर एंड ब्रेड, दे गिव अस एनर्जी एंड दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. नाउ वी विल सी बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी यानी हमारा शरीर को जो डेवलप करता है, बिल्ड करता है, उसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. मिल्क, चीज़, फिश, एग्स, पल्सेस एंड मीट हेल्प इन बिल्डिंग अवर बॉडी मसल्स. यानी दूध है, चीज़ है, फिश यानी मछलियाँ, एग्स, पल्सेस यानी दाल सारी, मीट, ये सारी बॉडी बिल्डिंग फूड है और ये हमारे बॉडी के मसल्स को डेवलप करते हैं, यानी मांसपेशियों को डेवलप करते हैं, और इसीलिए उनको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है. दे ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. ये हमको हेल्प करते हैं बड़े होने में, ग्रो करने में, और हमारे बोन्स और टीथ को ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग रखती है. नाउ सी, मिल्क, चीज़, फिश एंड एग एंड मीट, ऑल दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड. नाउ हियर यू कैन सी नो विथ डैबी. सो डैबी टेल्स यू द मेन फूड ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड इट्स स्टेपल फूड. राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड. यानी जो मेन फूड होता है किसी जगह का, जहाँ पे लोग ज़्यादा तौर पे वो ही खाते हैं, उनको उस फूड को स्टेपल फूड बोला जाता है. और राइस जो है यानी चावल, वो आधी दुनिया में सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा तौर पे वो उनका स्टेपल फूड है. कहीं कहीं पर गेहूँ ज़्यादा खाए जाते हैं, कहीं पर चावल, कहीं और कोई ग्रेन्स. तो इस हिसाब से सो राइस इज़ द स्टेपल, सॉरी, स्टेपल फूड ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नाउ now here you can see protective food. Fruit, vegetables and nuts protect us from diseases. They are called protective food. yani jo fruits hain, vegetables hain, nuts jaise ki almond, walnut, cashew nut, yani jo dry fruits hote hain, wo sare humko bimariyon se bachate hain aur protect karte hain, isliye unko protective food kaha jata hai. so fruits, vegetables aur nuts ye bahut important hai hamare diet mein. Now water. Water is very important for us. Water forms a major part of the blood. It helps to throw out wastes from the body. Water also carries food around the body. It is important to drink at least 8 to 10 glasses of water every day. यानी पानी जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो सबको ही पता है कि वाटर के बगैर हम रह नहीं सकते. अगर एक टाइम पे खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन पानी के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते. तो वाटर जो है वो हमारे ब्लड का मेजर पार्ट है. वो ब्लड पतला इसी की वजह से है, और वो क्या करता है, बॉडी में जो वेस्ट्स होते हैं उसको बाहर फेंकने के लिए है. ये वाटर इम्पॉर्टेंट काम करता है. और वाटर और भी एक काम करता है, हमारे पूरे बॉडी में फूड को पहुंचाने का काम करता है. यानी फूड डायरेक्ट नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो एनर्जी है वो पास करते हैं. और इसीलिए हमको रोज़ दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है. ओके, डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स पीपल कैन आइदर बी वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस. नॉन वेजिटेरियंस cook and eat meat of animals like goat and hen. They also eat eggs and some sea animals like fish, prawn, etc.
Vegetarians eat only plant and plant products. They do not eat meat and eggs. यानी हर एक की फूड की हैबिट के हिसाब से उनको दो चीज़ों में बांटा जा सकता है लोगों को. एक तो वेजिटेरियंस है यानी शाकाहारी, और दूसरे हैं नॉन वेजिटेरियंस यानी मांसाहारी. नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं वो मीट बना के खाते हैं, एनिमल्स को मींस मार के उनका मीट खाते हैं, जैसे कि गोट और हैन. फिर कोई कोई जन एग्स खाते हैं, कोई सी एनिमल्स खाते हैं जैसे मछली है, प्रॉन्स है वगैरह. और वेजिटेरियंस ऐसे होते हैं जो खाली प्लांट्स खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, वो लोग मीट व एग्स वगैरह नहीं खाते हैं. नाउ हियर यू कैन सी मील. मील यानी जो हम दोपहर को, रात को अच्छे मिस खाना खाते हैं, सुबह को नाश्ता करते हैं, दोपहर को थोड़ा नाश्ता करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मील. हर एक टाइम का मील होता है. तो मील इज़ द फूड वी ईट एट ए फिक्स टाइम एवरी डे. मील वो है जो हर रोज़ हम फिक्स टाइम पे खाते हैं. जैसे सुबह उठ के नाश्ता किया, दैट इज़ ब्रेकफास्ट. फिर दोपहर को खाना खाया, दैट इज़ लंच. और शाम को नाश्ता किया, दैट इज़ स्नैक. और रात को खाना खाया, दैट इज़ डिनर. सो वी ईट थ्री मेन मील्स इन अ डे. नॉर्मली थ्री मील्स ही होते हैं डे में. दे आर ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट यानी पूरी रात हमने जो नहीं खाया लेकिन सुबह उठ के हम नाश्ता करते हैं तो हम हमारा रात का फास्टिंग तोड़ते हैं तो उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं. दोपहर का खाना इज़ लंच एंड एट नाइट वी ईट डिनर. इन बिटवीन वी मे ईट अ स्मॉल मील कॉल्ड स्नैक. इसके अलावा दोपहर को अगर थोड़ी सी भूख लगी तो हमने कुछ नाश्ता कर लिया, दैट इज़ अ स्नैक. वी मस्ट ईट आवर मेन मील्स एट फिक्स टाइम्स. हमको ये जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, वो हमको प्रॉपर टाइम पे लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, दोपहर को लंच 2 बजे खाया, एक दिन 1 बजे खाया, एक दिन 4 बजे खाया, और डिनर रात को 10 बजे खाया, कभी 8 बजे खाया. ऐसे नहीं, फिक्स टाइम पे लेना चाहिए. नाउ फॉलो दिस गुड हैबिट्स एंड बिकम अ सुपर किड. दिस बॉय ही इज़ अ सुपर किड. तो कैसे बना जाएगा सुपर किड? Wash your hands before and after eating meals. यानी आपको आपके हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद. क्योंकि आप बाहर जाते हो, खेलते हो, हर एक चीज़ को हाथ लगाते हो, तो अगर आपके हाथ गंदे और उसी हाथ से आपने खाना खाया तो you will fall ill. यानी खाना खाने के पहले भी हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद भी अच्छे से हाथ धोना चाहिए. Always eat fresh and well cooked food. हमेशा fresh food खाना चाहिए और अच्छी तरह पका हुआ खाना खाना चाहिए. Always eat food at a clean place. साफ़ सुथरी जगह होती है वहाँ पर बैठ के खाना चाहिए. मक्खियाँ भिन भिना रही हो, गंदा पड़ा हो, ऐसी जगह पे नहीं खानी चाहिए. और बर्तन भी, प्लेट्स वगैरह भी क्लीन होने चाहिए. Eat slowly and chew the food well. खाना धीमे धीमे चबा चबा कर खाना चाहिए तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करेगा. डू नॉट बाई स्नैक्स एंड कट फ्रूट फ्रॉम रोड साइड हॉकर्स. यानी बाहर रास्ते में मिलने वाले भजिया, समोसा, ऐसी चीज़ें उठाकर नहीं खानी चाहिए जिस बहुत जो गंदा होता है. और कटे हुए फ्रूट्स भी रोड साइड से लेकर कभी भी नहीं खाने चाहिए. राइट. ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. अवॉइड ईटिंग जंक फूड. बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये सब नहीं खाना चाहिए. ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे. मिल्क कंटेन्स कैल्शियम दैट मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. यानी हर रोज़ 2 glass मिल्क पीना ज़रूरी है. मिल्क में कैल्शियम होता है जिसकी वजह से हमारे बोन्स और हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग रहते हैं. एंड ईट अ लिटिल लेस देन वॉट यू कैन, नेवर ओवर ईट. यानी आपको जितनी भूख लगी है उसे थोड़ा कम खाना चाहिए, थोड़ा पेट खाली रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि भूख लगी तो बहुत ज़्यादा खाते ही जाओ खाते ही जाओ, और पसंद की चीज़ कुछ भी मिल गई तो ज़्यादा खा लो, ओवर ईट कर लो, ऐसे भी नहीं करना चाहिए. नाउ रिकॉल विद डैबी. हमने जितना सीखा वो एक बार देख लेते हैं. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. फूड हमको क्या हेल्प करता है? हेल्दी रहने में हेल्प करता है और स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करता है. फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 groups, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. यानी फूड को 3 parts में डिवाइड किया जाता है, एनर्जी देने वाले फूड, बॉडी डेवलप करने वाले फूड और प्रोटेक्टिव फूड. वी शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट टू स्टे हेल्दी. हमको हर एक टाइप का फूड खाना चाहिए राइट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में,
ताकि हम हेल्दी रहें। वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मील इज़ द फूड वी ईट एट ए फिक्स टाइम एवरी डे, मील यानी वो है जो हम हर रोज़ फिक्स टाइम पे खाते हैं। वी शुड डेवलप अ गुड ईटिंग हैबिट, वी शुड डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स, हमें अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए खाने की, तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। सो चिल्ड्रन यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस लेसन, यू शुड ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क लेना चाहिए और हर एक टाइप का फूड खाना चाहिए जिससे आप स्ट्रांग रहोगे और हेल्दी रहोगे और अच्छी तरह ग्रो करोगे। अच्छा ग्रो करोगे तो आप पढ़ सकते हो अच्छे से, स्पोर्ट्स में आगे रह सकते हो, और अगर हेल्थ अच्छी है तो आप पूरी तरह से माइंड भी आपका अच्छा रहेगा, एंड सो यू विल बी फिट एंड फाइन। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।